हेलो गाइस, राम राम सर। और आपका स्वागत है मेरे फूड ब्लॉग पे। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पहले तो कढ़ाई ले लो और उसमें घी डाल दो। घी में बिल्कुल कंजूसी ना करिए क्योंकि घी से ही स्वाद आएगा। तो जैसे जैसे घी गर्म हो जाए उसके बाद आप जीरा घेर दिए। अगर आप खाते हो तो वेरी गुड, नहीं खाते हो तो भी वेरी गुड, आप अपने टेस्ट के अनुसार बना सकते हो, बनाओगे तो, अदरवाइज एज यू विश। तो यहाँ पे देखो जी, घी गर्म हो चुका है और जीरा भी भून चुका है। और उसके बाद पर हम छोंक की तैयारी करेंगे। तो जीरा गर्म हो चुका है, उसके बाद अभी हुआ ही नहीं है अभी जीरा गर्म हुआ ही नहीं है तो आगे का स्टेप कैसे बताऊँ। अरे ये देखो जी, जीरा गर्म हो ही नहीं रहा, तो वेटिंग चल रही है जीरा गर्म होने की। जैसे ही आपको लगे कि जीरा गर्म हो चुका है वैसे ही आप उसमें प्याज घेर दो। प्याज में भी बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए। ये देखो, प्याज को अच्छे से भून लो, गोल्डन सा होना चाहिए, जलने वाला नहीं होना चाहिए, बस गोल्डन सा हो जाए थोड़ा सा। अपने इतना छोंक तो इतना बेसिक तो सभी को आता होगा, तो अब अपना अपना देख लीजिए। तो प्याज थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे, देन उसके बाद आप अदरक लीजिए और अदरक को अच्छे से मैश करके घेर दीजिए। आपको अगर टेस्ट आता हो खाते हो तो ठीक है, गिरना नहीं तो मत गिरना, हम तो खाते हैं, बहुत मस्त टेस्ट आता है। तो अब इसको गोल्डन फ्राई होने देंगे प्याज को अच्छे से। तो ये लीजिए, ये हो चुके हैं थोड़े हल्के हल्के से, देख सकते हो आप। इसके बाद आप अपने टेस्ट के अनुसार मसाले गिर सकते हैं। तो यहाँ पे गिरी है हल्दी, उसके बाद नमक, ज़्यादा हम चटपटा नहीं खाते, ये है धनिया पाउडर बस, और ये है मिर्ची। ना ज़्यादा स्पाइसी है ना ज़्यादा मसाले वाला खाते हैं हम, बिल्कुल सिंपल। और A1 सब्जी बन गया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर दो। ये देखो, अब थोड़ी 5 या 10 मिनट, बस 5 सेकंड भी इसको मसाले को भुनने दीजिए। उसके बाद थोड़े से भून देना, फटते ही टमाटर दे दो ताकि प्याज जले नहीं। हाँ, एक ज्ञान की बात और दे दी मैं आज आपको, प्याज अगर ज़्यादा जलने लग जाए या फिर ओवर कुक हो जाए उससे पहले ही आप टमाटर घेर दो तो प्याज भुनना रुक जाएंगे वहीं पे। ये मेरी मम्मी ने ये मेरे को ज्ञान दिया था, तो कुकिंग के बारे में जितना मुझे ज्ञान है वो मैं आपको भी शेयर करूँगी और आप मुझे करना, ठीक है। तो उसके बाद इसको अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा सा पानी घेर देना ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए, अदरवाइज़ कच्ची सब्जी खानी है तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन टमाटर में थोड़ा सा पानी घेर दीजिए। हम सूखी सब्जी बना रहे हैं तो ये मत सोच रहे हैं कि गीली बनेगी। उसके बाद मस्त आलू काट के और मस्त शेप करके, उसकी जैसी आपको शेप चाहिए आप अपने टेस्ट के अनुसार, आपकी जीव के अनुसार अपना टेस्ट ले लीजिए आलू की शेप। और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दो, कुछ रहना नहीं चाहिए, कोई मसाला कहीं रहना नहीं चाहिए, हर आलू पर मसाला लगना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा खेल लो आलू का गला यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम पास करने लग रही थी। तो इसमें सिर्फ आधा ग्लास पानी घेर के इसको अच्छे से ढक देना। अब 5-10 मिनट लगते हैं शायद आलू को उबलने में, ये तो मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगेगा, पर आप अपना देख लेना। और फिर बस थोड़ा सा भी इसमें पानी गिर के इसने मैं ढक दूँ। और ये लो जी, मम्मी बिल्कुल फ्रेश धनिया ले आई, लेकिन ये अभी नहीं गिरना, ये बिल्कुल लास्ट में गिरना है जब सब्ज़ी पूरी पक जाए। और ये देखो जी, ढकने के बाद और ये टड़ा, हमारी सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। देखो ना, आलू चिपक गए हैं, वो अपना अपना ध्यान दे लीजिए, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैं वीडियो में व्यस्त हो गई थी इसलिए मेरे थोड़े से आलू लग गए। अदरवाइज़ अगर आप ध्यान दे दोगे ना तो एक नंबर के आलू की सब्जी बनेगी सूखी वाली। उसके बाद गरम गरम अपना जो आपने धनिया काटा था ना, आप गरम गरम ऊपर घेर दो और उसको फिर से ढक दो। ये देखो, हमारे पास तो फ्रेश हमारे गार्डन का था। और उसके बाद सब्जी बन चुकी है आलू की, छट देसी फट देसी बन जा है यह सब्जी, ना कुछ चोच ले करने पड़ते ना कुछ सोचना पड़ता, जब मन करे अपना सब्जी बनाओ और खा लो। बाय बाय सारा, ना बताना मेरी कुकिंग स्किल कैसी लगी आपको और मेरा कुकिंग व्लॉग कैसा लगता है आपको।